गाइस क्राउड काफी ज्यादा है यार, और हमारे झारखंड में जितना भीड़ नहीं रहते हैं ना कर्मा त्योहार में उतना ज्यादा बाहर देश में परदेश में भीड़ है, और क्राउड इतना ज्यादा है ना कि थोड़ा नहीं आप सबों को वॉइस भी मेरा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जितने भी हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये शील्ड कप रखा हुआ है, और इसके बाद में प्राइज मनी है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, और मैं भी दोस्तों ठीक ठाक हूं। हमारी वाइफ सूत गई है, अभी तक उठ भी नहीं कर रही है, तो चलिए आज चलते हैं करम मनाने के लिए। इसको तो नहीं लेके जा रहे, इसको छोड़ा लोग नजर मारेगा ना, इसलिए नहीं लेके जा रहे, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहिए, आज परदेश में भी करम मनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बन रही है, और चैनल में नए हैं तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। और इधर छोटा बाबू भी खेल रहा है, तो अभी बल्दी के साथ में जाएंगे, तो पानी वानी भर लिया हूँ मैं यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। अभी छतरी वितरी भी बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये कोढ़ी हो रही है, इसका कोढ़िया ही नहीं हटता है, कब हटेगा पता नहीं, मुंडी हिला रही है देख सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं निकल गया हूँ, और ये देखिए यहाँ पे नदी भरा हुआ है, अब किधर से छलांग मारते हैं ना। ओ तो चलिए गैस पार हो गया हूँ, और ये साथ में गर्म पानी भी लेके जा रहा हूँ, ताकि वहाँ अंदर घुस जाने के बाद ना, होल के अंदर में घुस जाने के बाद बाहर निकलने को नहीं मिलता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहेगा, तो पानी चाहिए ना, गर्म पानी पीता हूँ मैं, वहाँ पर तो ठंडा पानी मिलेगा, गर्म पानी कौन देगा ना, तो इसीलिए। तो गैस फाइनली मैं गेट से बाहर आते ही बस मिल गए वैसे, और मैं बस में बैठ गया, अब निकलते हैं सीधा कदम बाकी लिए, और ज़्यादा वैसे भीड़ भाड़ नहीं है, खाली खाली ही है। उतर गया हूँ बस से, और यहाँ से चलेंगे सीधा कदम्बा के लिए, और कदम्बा से फिर बल्ली आ जाएगा, तो साथ में निकलेंगे वेरना के लिए। तो वेरना तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी कदम्बा, और कदम्बा बस स्टैंड में वेट कर रहा हूँ बल्ली का, अब कहीं पर बैठने के लिए खाली जगह भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद में चलेंगे गैस सीधा इसके लिए। हाँ क्या तो चलिए वेट करते हैं गैस, तो अभी आ रही है यार, पहुँची जाने के लिए इतना ज़्यादा लाइन लगाना पड़ रहा है, ऐसा अभी बस लग गई है, अभी तो वेट करते करते तो सला थैया हो गए, अब पहुँचने वाला है बोली। अब गैस इसका वेट करते करते यार मैं थक गया, तो चलो गैस चलते हैं बस में। अरे पानी बोतल पकड़ यार, पूरा भीड़ है क्या, सब पूरा। गाइस हम लोग अभी बस उतर गए हैं, और पैदल पैदल जा रहे हैं, बारिश तो एकदम हम लोग के पहुंचते साथ में दबा के बारिश दे रही है, तो चलो अभी पहुंच गए, ज्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही पहुंच गए हॉल के सामने ही, तो चलेगा चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रही आप सब, बारिश में भीगते भीगते करम का मजा उठाने के लिए हम लोग आ गए हैं गाइस, क्या बोली। हाँ तो चलते हैं अभी, अभी एक भी आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे मज़ा तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मज़ा लेके ही रहेंगे, क्या बोली। हाँ लेके ही रहेंगे, तो चलिए हॉल के सामने पहुँच ही गए, वैसे चर्च तो ख़त्म हो गया लगता है, लेकिन अभी हम लोग पिछवाड़ी पिछवाड़ी में जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं चर्च के बस हॉल के पास में ही है, तो चलो बोले अंदर चलते हैं, और टिकट वगैरह, अरे अंदर जाने के लिए दे रहे कि नहीं दे रहे रे बाबा,
हाँ नो एंट्री है क्या गाइस? अभी हम लोग टिकट निकाल लिए हैं वैसे और बस अंदर एंट्री करने वाले हैं। अरे चर्च चर्च चल ही रहा है तो अभी चले अंदर जब अरे किधर गया है यार? तो चलो बोले गाइस अंदर में भीड़ तो इतना ज़्यादा है कि बहुत ही पूछिए। अब अंदर में कैमरा घुमाएंगे तो देख सकते हैं चारों तरफ सबका हिंदी हिंदी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार। सो गाइस मैं हॉल के अंदर में आ गया हूँ और देख सकते हैं फादर लोग को बाहर लेके आ रहे हैं। त्यौहार में उतना ज़्यादा बाहर देश में परदेश में भीड़ है और क्राउड इतना ज़्यादा है ना कि पता नहीं आप सबों को वॉइस भी मेरा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वैसे ज़्यादा ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, वैसे खाना तो खा के नहीं आए हैं फिर भी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है। और कैमरा घुमाऊँ तो देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा और वाइड एंगल में सुपर वाइड एंगल में शूट करूँगा तो काफ़ी छोटे छोटे नज़र आएंगे ना। ट्रेंड लोग काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बस। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये शील्ड कप रखा हुआ है और इसके बाद में प्राइज मनी है और काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हुए हैं और हमारे गेस्ट जितने भी हैं ये इधर फादर लोग बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पे प्रोग्राम होगा स्टेज में। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बन रहेगा, जितना हमारे झारखंड में भीड़ नहीं है उतना से भी ज़्यादा काफ़ी सारे पब्लिक हैं। अभी गाइस जितने भी हमारे फादर्स लोग आए हैं मेहमान यहाँ पे जो जजमेंट करने के लिए, तो उनका फूल देकर उनका अतिथि सत्कार हो रहा है। गुलाब का फूल कितना प्यारा प्यारा है ना। गाइस अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और मैं सामने आ गए हूँ ताकि आप सबों को प्रोग्राम काफ़ी नज़दीक से दिखा सकूँ। काफ़ी Thank you.
छठ पूजा कर लेते हैं क्या बोलते हैं, खा लेते हैं। काफ़ी सारे लोग इधर खाना ले लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मेरा भी इधर मिल गया है, तो चलो यार खा लेते हैं इसको। आज के इस कर्म महोत्सव के फर्स्ट विनर और इनका भी खुशियाली इशार कर रहे हैं, देख सकते हैं। जिसको जैसे मिला है वो लेके जाने के संदेश से और आराम से घर जाइए और अच्छे से पहुंचिए, ठीक है। गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा डांस कर लिए, अब चलते हैं सीधा रूम के लिए, और नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बाद में बस में भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्या बोले। ये बेरना चर्च आप सबों को दिखा नहीं वैसे तो, ये देख लीजिए ये है बेरना चर्च और इधर की मैदान है, लेकिन मैदान में एक ओठो कोनो फुटगा नहीं है, पूरा ठेठलेंग है, तो यहाँ पे शूज़ पहन के ही फुटबॉल खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल सकते हैं, नहीं तो पूरा पैर ही छिल जाएगा। का त्यौहार आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। तो अभी हम लोग चलते हैं बस चढ़ने के लिए।